criança, tá mesmo nem tá tão vai dar um pouquinho de assustar. Tô pedindo um ladinho dele aqui, né? Mas चंदवरे नगर स्थित हरिओम कॉलोनी विकास विकास समिति है, जो एक अधिष्ठा संस्था है। समिति में 2017 में भारतीय स्टेट बैंक चंदवरे नगर स्टेडियम के सामने जो बैंक है वहाँ पर समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव उस समय जो थे उन्होंने 10,000 से एक सेविंग अकाउंट खोलने के लिए बैंक में आए थे। तो बैंक में उस समय जो मैनेजर था उसने समिति के बुजुर्ग आदमी को गुमराह करते हुए एक कॉलम आता है बचत और करंट का, उसमें करंट अकाउंट पर टिक कर दिया। जब समिति के आदमियों ने अपनी दवा तो बचत खाता खुलवाया था, इसकी हमें जानकारी नहीं। उसके बाद उन्होंने हमारे अकाउंट से पैसे काटते थे वो 2017 से लेके 2019 तक, लेकिन समिति के किसी भी आदमी को ना तो लेटर से, जबकि समिति का अकाउंट था, तो इन्होंने हमें चिट्ठी भेज के या क्या कहते हैं बाय मैसेज हमें जानकारी देते कि आपके पैसे कट रहे हैं, जो उन आदमियों को गुमराह कर। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला हमारे खाते में से 4800 रुपये कट गए। हमें जान के बड़ा अचंभा हुआ। हमने मैनेजर से पूछा तो बोला कि आपने करंट अकाउंट खुलाया। हमने कहा हम करंट अकाउंट क्यों खुलाएंगे, समिति का तो बचत अकाउंट खुलता है। समिति में कितने लोग जुड़े थे? समिति में 27 लोग हैं हम टोटल। तीन कार्यकारिणी में तीन आदमी हमारे जो थे, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, ये तीन लोग आए थे खाता खुलवाने 2017 के अंदर। समिति में टोटल हमारी कॉलोनी में 500 से 700 आदमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये पैसा जो है वो जनता का है, इसलिए समिति बैंक में खुलवाया था आपने? भारतीय स्टेट बैंक चंदवरे स्टेडियम के सामने जो है उसमें खुलवाया था। मानते हो धोखाधड़ी कर रहे बैंक वाले? नहीं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी, चाहे हमें हाईकोर्ट जाना पड़े, उपभोक्ता मन जाना पड़े। बैंक वालों ने धोखाधड़ी करी क्या आपके साथ? बैंक वालों ने बिल्कुल धोखाधड़ी करी ना, गुमराह करके हमारे चार्ज काट लिया जिसकी आज तक हमें कोई जानकारी नहीं थी। सीनियर सिटीजन थे वो आदमी, सारे जने उनके साथ धोखा कर लिया। ना उन्हें पासबुक दी गई, ना उन्हें कोई किसी तरह से बताया गया कि उनके साथ क्या हुआ, कोई कागज नहीं दिया गया उनके साथ। बहुत बड़ी हमारे साथ ये धोखाधड़ी करी, हमने बैंक से नोटिस दिया। कैसे पता चला आज? आज हमें जब हम वहाँ गए स्टेटमेंट निकलवाने के, हमें कितना ब्याज मिला समिति में, तो वहाँ पता चला कि हमारे 4800 रुपये काट लिए इन्होंने ब्याज मिलने के, जो ब्याज तो मिला नहीं, मूल और ले गया हमारा। आपने खाता कौन सा खुलवाया था? हमने बचत खाता खुलवाया था सेविंग, उन्होंने करंट खोल दिया। आप फिर आप कहाँ पर आए हो? अभी हम रामगढ़ थाने हैं, सी आई सबसे बात हुई, हमने एप्लीकेशन दी है, इन्होंने जाँच करके हमारी एफ आई आर काटेंगे अभी। आपका नाम? सागर मीणा, हरिओम कॉलोनी, सचिव। कॉलोनी विकास समिति जो है, विकास समितियों का काम होता है क्षेत्र के लोगों का विकास करना, क्षेत्र की समस्याओं का हल करना और छोटी छोटी बचत करके सरकार के, सारी अपेक्षाएं नहीं होती है कि सरकार समस्याओं का समाधान करेगी, तो ये समितियां इसीलिए बनाई जाती है छोटी मोटी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए थोड़ा चंदा भी एकत्रित किया जाता है लोगों से और उसको फिर ट्रांसपेरेंसी रखने के, पारदर्शिता के लिए बैंक में खाता खोला जाता है। तो हमारे भी सीनियर सिटीजन बुजुर्ग थे हरिओम कॉलोनी विकास समिति जो रजिस्टर्ड संस्था है, तीन बुजुर्ग लोग जो सेवानिवृत्त थे खाता खुलवाने बैंक में गए, उनको तत्कालीन जो मैनेजर है उन्होंने गुमराह करके उनका खाता जो है करंट अकाउंट खोल दिया और ना उनको कोई उस समय पे पासबुक दी, ना कोई स्टेटमेंट दिया, ना रिसीव दी। खाली बैंक चंदवरदाई नगर का है जो SBI बैंक है, उनको कुछ भी नहीं दिया और वो बुजुर्ग लोग आ गए। उन्होंने बैंक वालों ने धोखाधड़ी करी आपके साथ? बैंक लोग बिल्कुल सीनियर सिटीजन के साथ धोखाधड़ी करी है, उनको बेचारों को गुमराह किया, उनके चश्मे लगे हुए हैं, उनको बताया तुम्हारा खाता खोल दिया, वो खुश हो गए, बोले हमारा खाता खोल गया। अब थोड़े दिन से जब हमने कब खोला था खाता? 2017 में खोला था। अभी तक कुछ नहीं मिला? अभी तक कुछ मिलने के बजाय उन्होंने ना तो कोई लेटर दिया हमको, ना कोई सूचना दी। क्या होता है जब पैसा काटते हैं ना, ATM में भी पैसा कटता, कटने की सूचना तुरंत आती है, जमा की भले ही नहीं आती है, तो ये जब पैसे काट रहे थे तो इसकी सूचना देनी चाहिए थी। जब SMS से नहीं हुआ, जब हम हरकत में नहीं आए, समिति के पदाधिकारी को ही नहीं पता लगा, तो इनको राइटिंग में एक लेटर देना चाहिए था समिति को, वो भी नहीं दिया। और सीनियर सिटीजन ये सोच रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं हमारा ब्याज बढ़ रहा होगा। जब हमें समिति में कोई विकास कार्य कराने थे तो उसमें गए तो पता लगा कि ब्याज की जगह 4800 रुपये उल्टे काट दिए और 5200 रुपये कुल बचे हैं 10,000 में, और उन्होंने बोला है कि निरंतर और कटेंगे। तो हमारी समिति ने, जो हमारे अभी वर्तमान सचिव हैं सागर मीणा जी, युवा हैं, जोशीले हैं, उन्होंने बोला कि कोई गलती नहीं है, जब बुजुर्ग आदमियों को परेशान किया गया हमारी समिति को तो उनको छोड़ेंगे नहीं। हमने वकील के माध्यम से नोटिस भी दे दिया और आज हमने FIR रामगंज थाने में दर्ज कराने की कार्रवाई कर दी है। हम फ्यूचर में भी अगर जहाँ तक लड़ना पड़ेगा बैंक कर्मचारियों को नहीं छोड़ेंगे और कर्म बैंक को नहीं छोड़ेंगे, सूद सहित जो हमारा हक बनता है वो लेकर के रहें। रमेश लालवानी, प्रचार सचिव, हरिओम कॉलोनी।